शिक्षा में सुधार और शिक्षा में गुणवत्ता लाने का जो निश्चय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है उसको धरातल पर पहुंचाना जो है हम सभी का दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये आधार है। और जो ये खास तौर पे डाइट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर वो अध्यापक ट्रेंड होते हैं, वो जो कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देने के बाद उनको भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो शिक्षा का आधार है, शिक्षा की नींव है। प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रयास कर रही है। सभी विधानसभा क्षेत्र में एक एक डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के वार्षिक समारोह के दौरान कही। अवस्थी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक और परिमाणमूलक सुधार के लिए सभी स्तरों पर अध्यापकों का पूर्ण रूप से परिशिक्षित एवं दक्ष होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित बनाएगी कि डाइट जैसे संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करने एवं उचित अधोसंरचना की दिशा में सुदृढ़ बने। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के भविष्य को आकार प्रदान करने में प्राथमिक स्तर के अध्यापक सबसे महत्वपूर्ण है। सभी के लिए प्रेरणा है कि उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी है। हमें उनके समर्थन और उत्कृष्टता की खोज जारी रखें और समाज में परिवर्तन के बल प्रदर्शक बने। ये सभी मैं डाइट स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, याद रखें। और राजीव कौड़ा जी जिला प्रशासन से सम्मानित अधिकारी। प्रदेश सरकार का ये संकल्प है कि शिक्षा में सुधार और शिक्षा में गुणवत्ता लाने का जो निश्चय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है उसको धरातल पर पहुंचाना जो है हम सभी का दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये आधार है। और जो ये खास तौर पे डाइट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर वो अध्यापक ट्रेंड होते हैं, वो जो कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देने के बाद उनको भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो शिक्षा का आधार है, शिक्षा की नींव है। यहाँ पर नींव मजबूत होगी, आधार मजबूत होगा, तो आगे आने वाले समय में हमें अच्छे जो स्टूडेंट्स, अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए एक हमारे जो नागरिक जो है अच्छे तैयार होंगे।